नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी इमरती देवी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, या यूं कहें कि एक विवादित टिप्पणी की है। जी हां, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक तरफ इमरती देवी की हार को लेकर तंज कसा और कहा कि अगर आइटम वाले बयान से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा तो फिर इमरती देवी क्यों हार गई। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरती अब जलेबी बन गई है। उनके इस बयान के बाद से ही बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी खासी नाराज नजर आ रही है, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जानने वाले हैं। पहले जानते हैं क्या है भाजपा की नाराजगी। तो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी। दुर्गेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान को लेकर बीजेपी क्यों नाराज है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अपनी हार को पहचान नहीं पा रहे हैं। हार के बाद एक समीक्षा होनी चाहिए थी, हार के कारणों को जानना चाहिए था, पर कांग्रेस के मित्र अभी भी उलझुल बयान देकर मुझे लगता है कि अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए ये सब बयानबाजी की जा रही है। बाकी रही बात इमरती जी की, तो इमरती जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी रहती है। मुझे लगता है कि सज्जन वर्मा जी को अपनी मानसिक जो भी उनके चिकित्सक हैं उनको उनसे सलाह लेनी चाहिए। रही अगर यही इतनी चिंता अगर वो अपनी कांग्रेस की करते तो कांग्रेस को इस कदर जो शिकस्त मिली है मध्य प्रदेश में उसका सामना नहीं करना पड़ता। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी की नाराजगी साफ झलक रही है और कांग्रेस नेताओं को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी की नाराजगी जो है उसका क्या जवाब देंगे आप, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा था आइटम शब्द, वो सामान्य शब्द था जिसे भाजपा ने भुनाया, लेकिन भाजपा उसका विशेष फायदा नहीं मिला कि जिसके बारे में ये कहा गया वो खुद ही चुनाव हार चुकी है। एक सामान्य शब्द को विकट मानसिकता के तेज जो जनता के सामने भुनाने का कुप्रयास भाजपा ने किया था वो स्वयं ही चुनाव हार गए। तो सज्जन वर्मा जी का बयान कोई ऐसा कोई अमर्यादित या संसदीय बयान नहीं है जिसके बारे में भाजपा नाराज हो रही है। जी नीलाभ जी, लेकिन ये कहना कि इमरती अब जलेबी बन गई है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह की भाषा बोलना, इमरती और जलेबी कोई असंसदीय शब्द नहीं है, ना अमर्यादित है, ना ऐसे कोई शब्द है जिसे जिसके बारे में बुरा माना जाए। मिठाइयों के नाम है, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। रहा सवाल इमरती देवी के चुनाव हारने का, तो भाजपा ने जो कुप्रयास किया था कि एक शब्द को कमलनाथ जी के पकड़ के जो एक गंदा माहौल बनाने की कोशिश की थी विकृत मानसिकता के तहत, उसमें इमरती देवी को भी फायदा नहीं मिला, तो भाजपा को क्या फायदा मिलता। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हमने जानी, लेकिन नेताओं के बिगड़े बोल लगातार जारी है और इसी को लेकर अब सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।